हाय फ्रेंड्स, आज हम अंकुरित मूंग की सब्जी बनाएंगे। उसके लिए हम एक बर्तन में तेल लेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद आधा चम्मच हींग डालेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक चम्मच सरसों के बीज डालेंगे और थोड़े करी लीव्स डाल के अच्छे से सौते कर लेंगे। उसको आधा मिनट तक सौते करना है। बाद में दो हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई और उसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। बाद में अंकुरित मूंग मैंने साइड में रखी है, जो हम बाद में सब्जी में डालेंगे वो ऐसी होती है। और बाद में दो टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। और बाद में एक कटोरा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और आधा कटोरा बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। सबको अच्छे से सौते करना है। और बाद में हम पाउडर मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम एक टेबलस्पून हल्दी पाउडर, दो टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और एक टेबलस्पून धनिया जीरे का पाउडर और एक टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो गरम मसाला ज़्यादा भी डाल सकते हो। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और इसको मिक्स करके हम अच्छे से दो मिनट तक ढक के पका लेंगे, जिससे सारे मसाले एक रस हो जाए। इसके बाद इस मसाले में हम अंकुरित मूंग डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे सलाद भी खा सकते हो, मगर हम इसकी सब्जी बनानी है इसलिए हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे और हमारी ये अंकुरित मूंग की सब्जी तैयार हो जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।